पानी में इस अकेले एंटलोप पर अकेली शेरनी हमला करती है। बाकी शेरनियां भी नजदीक खड़ी थी, तो क्या ये एंटलोप बच पाएगा? यह जानने से पहले आप नीचे दे सब्सक्राइब बटन को दरा। पानी में एक एंटलोप दूसरे एंटलोप पर रोक जमा रहा था। वह उसे पानी से बाहर निकलने को कह रहा था, जिससे दूसरा एंटलोप पानी से बाहर निकल जाता है। तभी उनकी ओर काफी सारी शेरनियां बढ़ने लगती है, जिसमें से एक शेरनी बोलती है, मुझे शिकार की खुशबू आ रही है, मतलब दावत नजदीक ही है। अगले ही पल शेरनियां तालाब के नजदीक जाती है। उन्हें देखते ही एंटलोप की फटती है। वह बोलता है, ये बिन बुलाए मेहमान कहाँ से टपक पड़े। वह भागने लगता है। तभी दूसरी ओर से शेरनी ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा एंटलोप पे किया घाव। वह एंटलोप को काबू में करने की कोशिश करने लगती है। वह बाकी शेरनियों को हेल्प करने को बोलती है। बाकी शेरनियां बोलती है, पानी थोड़ा ज्यादा गहरा लग रहा है, तुम पकड़े रखो हम आते है। लेकिन कोई भी शेरनी पानी में जाने की हिम्मत नहीं करती। एंटीलोप सोचता है, इतनी सारी शेरनियां मिलकर मुझे जल समाधि देगी। वह खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पर मारने लगता है। उसे काबू में करने के लिए शेरनी उसे किस करती है। ज्यादा देर किसिंग करने से एंटीलोप का दम घुटने लगता है। वह शेरनी के मुंह पे किक मार के खुद को छुड़ाता है और भागने लगता है। शेरनी वापस आकर बाकी शेरनियों को बोलती है, तुमने हेल्प क्यों नहीं की। बाकी शेरनियां बोलती है, हम आ ही रहे थे तभी तुमने उसे छोड़ दिया। अब इतनी सारी शेरनियां होने के बावजूद भी एंटीलोप भाग गया, क्योंकि हर शेरनी यही सोचती रही कि एंटीलोप को मैं पकड़ूंगी लेकिन बाकी शेरनियों को फ्री में खाना मिलेगा, तो मैं अकेले क्यों आगे जाऊँ। इनके तो तू मैं से एंटीलोप भाग गया। आजकल शेरनियां भी सास बहू जैसा बर्ताव करने लगी है।